इंडियाज न्यू वीपीएन रूल्स अभी रिसेंटली एक रूल पास किया गया है जिसके तहत वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क प्रोवाइडर्स जो हैं वीपीएन प्रोवाइडर्स इनके लिए ये मैंडेटरी बना दिया गया है कि ये कस्टमर लॉग्स की रिकॉर्ड को एक दिन तक अपने पास रखें क्या है वीपीएन समझते हैं वीपीएन स्टैंड फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन जो है ये एक एनक्रिप्टेड कनेक्शन है इंटरनेट में डिवाइस और नेटवर्क के बीच में यह इनक्रिप्टेड कनेक्शन जो है ये इंश्योर करता है कि जो सेंसिटिव डेटा फ्लो करता है बिटवीन द डिवाइस ऑफ अ यूजर टू नेटवर्क और टू द डेस्टिनेशन तो उसके बीच में वो डेटा लीक ना हो जाए और डेस्टिनेशन तक वो सेफली ट्रांसमिट हो जाए बेसिकली uh, हम जब स्मार्टफोन लैपटॉप और डिफरेंट जो इंटरनेट सर्विसेस हैं इनका यूज़ करते हैं तो एक खतरा रहता है कि हमारा जो डेटा फ्लो कर रहा है कंटिन्यूसली बिटवीन लाइक अस द यूजर एंड द डेस्टिनेशन तो उसके बीच से डेटा जो है वो लीक हो जाए अनऑथोराइज पीपल उसे एक्सेस कर ले uh, उस ट्रैफिक से जब वो फ्लो कर रहा हो तो और इसके बाद कई सारी चीज़ें होती हैं साइबर अटैक्स होते हैं फिर आ, रैंसम के लिए यूज़ किया जाता है इन सब चीज़ों को तो वी जो है इसे रोकता है वी एक ऐसा सर्वर है जो इंश्योर करता है कि डेटा एक्सचेंज के वक्त डेटा जो है वो सिक्योर टनल के थ्रू यूजर के डिवाइस से और इंटरनेट से होते हुए वी सर्वर तक पहुंचे और उसके बाद उस सर्वर से वो डेस्टिनेशन तक वो डेटा पहुंच जाए तो इससे क्या होता है कि जो यूजर है उसकी आइडेंटिटी हिडन रहती है ऑनलाइन यूजर का जो डेटा है वो भी हिडन रहता है वो सिक्योर रहता है और यूजर जो है वो इंटरनेट को और भी फ्रीली यूज कर पा पाता है विदाउट एनी फियर एंड विदाउट बींग वलरेबल इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट कि यूजर कंप्यूटर में जब वीपीएन सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं और डेटा जो है वो एनक्रिप्टेड हो जाता है तो वीपीएन सर्वर तक वो डेटा पहुंचता है थ्रू अ सिक्योर कनेक्शन एज डिस्कस्ड बिफोर और डेटा जो है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है उस यूजर का उसके थ्रू भी पहुंचता है लेकिन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उस डेटा के ऊपर कोई uh, मतलब जासूसी नहीं कर सकता बिकॉज वो डेटा एनक्रिप्टेड रहता है क्योंकि वो वीपीएन सॉफ्टवेयर के थ्रू जा रहा है इस इमेज में आप देख सकते हैं ये यूज़र का लैपटॉप है वीपीएन सॉफ्टवेयर यहाँ पे है अब डेटा जो है जो फ्लो कर रहा है जो यूज़र का आ, आ, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है आ, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट होते हैं अलायंस है फॉर एग्जांपल तो ये जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज़ ये प्रोवाइड करते हैं तो ये इंटरनेट सर, आ, सर्विस प्रोवाइडर से होते हुए वीपीएन सर्वर तक जाता है लेकिन ये पूरी तरीके से एक एनक्रिप्टेड वीपीएन टनल है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर का यहाँ पे यूज़ हुआ है तो डेटा जो है ये आईएसपी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो भी इसे डिक्रिप्ट नहीं कर सकते तो एनक्रिप्टेड वे में ये डेटा वीपीएन सर्वर तक जाता है और उसके बाद इंटरनेट क्लाउड में और जो यूजर डिफरेंट जो डेस्टिनेशनस हैं वहां पर यह डेटा पहुंचता है तो डेटा जो है वो पूरी तरीके से सिक्योर रहता है इनक्रिप्टेड रहता है तो कोई इसे डिक्रिप्ट नहीं कर सकते लेकिन वीपीएंस जो हैं, ये खुद यूजर को ट्रैक कर सकते हैं यूजिंग यूजर डेटा कैसे कि यूजर जो है वो किस चीज में लॉग इन कर रहे हैं ब्राउजिंग एक्टिविटी यूजर की क्या है यूज़र की ऑनलाइन बिहेवियर क्या है डिफरेंट जो कनेक्शंस यूजर यूज कर रही है न, इंटरनेट को यूज करने के टाइम पे तो वहां पे क्या टाइम्स टाइम्स है ये सारी जो फुटप्रिंट्स है यूजर की ये वीपीएंस के पास रहती है वीपीएन का सिग्निफिकेंस बहुत ही ज़्यादा है इन प्रेजेंट टाइम्स क्योंकि बैंकिंग से लेकर शॉपिंग सब कुछ अभी ऑनलाइन है सोशल मीडिया पे भी वलरेबिलिटी मेडिकल रिकॉर्ड्स हर जगह पे अगर वलरेबल रहे सारा डेटा अगर इजीली एक्सेसिबल हो अनऑथोराइज पर्सनस को तो वो यूज़र को ब्लैकमेल कर सकते हैं रैनसम के लिए इसके अलावा उसका डेटा यूज़ कर सकते हैं रिवेंज बहुत कुछ के लिए इसका मिसयूज़ किया जा सकता है तो वीपीएन इस मिसयूज को रोकता है ऑल्सो हम चाहते हैं कि हमारा डेटा जो हो वो पूरी तरीके से ओपन ना हो ताकि हैकर्स उसे हैक ना कर पाए गवर्नमेंट स्पाइंग ना कर पाए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को ना पता चले वेबसाइट्स जो हैं उन्हें ना पता चले कि हम मेरी क्या इंटरनेट एक्टिविटी है एम्प्लॉयर्स जो हैं वो ना मिसयूज करें इसका तो हमारा डेटा हाईजैक ना हो इसके लिए वीपीएन जो है हमारे डेटा को शील्ड करता है अभी इंडिया में कुछ नए रूल्स आई हैं वीपीएन से रिलेटेड जिसमें वीपीएन uh, जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं इनके पास ये मैंडेटरी बना दिया गया है कि ये कस्टमर की लॉगिन जो डिटेल्स हैं उसे 180 दिन तक रखे और इसके अलावा पाँच साल तक कस्टमर डेटा को कलेक्ट करके उसे स्टोर करके भी रखे इसके अलावा वीपीएन प्रोवाइडर्स को ये आ, भी हिदायत दी गई है कि अगर साइबर क्राइम होता है तो छह घंटे के अंदर अंदर इसे कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सर टेन जो इंडिया का साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है इससे ये आ, रिपोर्ट कर दी विद इन सिक्स आवर्स इट्स इम्पोर्टेंट टू नोट कि ये जो नई सारी रूल्स हैं ये एप्लीकेबल है टू ऑल एंटिटीज मतलब अगर साइबर इंसिडेंट्स इंडिया के बाहर हो रही है तब भी साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स कि उनका फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में हो ना हो इसके अलावा जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स हैं जो प्रोवाइडर्स हैं वो मतलब एज लॉन्ग एज दे आर डिलीवरिंग सर्विसेज टू इंडियन यूजर्स तो उन्हें इन रूल्स के साथ कंप्लाई करना होगा इन नए रूल्स की कई सारी एडवांटेजेस हैं फॉर एग्जांपल मनी लॉन्ड्रिंग अब से टफ हो जाएगा क्योंकि बैंकिंग फ्रॉड बाय स्टीलिंग द आइडेंटिटीज एक बहुत ज्यादा एक कंसर्न है तो वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर जो है वो यूजर की डेटा को ट्रैक कर पाएंगे तो इससे गवर्नमेंट भी ट्रैक कर पाएगी कि अगर कहीं पे फ्रॉड होता है तो कौन से साइबर क्रिमिनल्स हैं जिनकी वजह से ये हुआ है सोशल एलिमेंट्स तो इसे ये कर पाएंगे ट्रैक इन नए रूल्स की वजह से कुछ कंसर्न्स भी है पहला है यूजर प्रिविसी वीपीएं जो है वो अब से रेगुलेटेड होंगी इंडिया में तो वीपीएन यूजर्स जो है दे आर एट रिस्क ऑफ बिंग टारगेट्स ऑफ सर्विलेंस एंड लॉस ऑफ प्रिविसी राइट टू प्रिवेसी जो आर्टिकल 21 में एन्यूमरेटेड है इसे वायलेट करता है जो नई वीपीएन रूल्स है वो जरूरी है कि गवर्नमेंट जो है एक रोबस्ट डेटा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करे और कुछ नई रूल्स को इंट्रोड्यूस करे क्योंकि अभी जो रूल्स नई रूल्स बनी है उसमें डेटा को वीपीएन प्रोवाइडर्स पांच साल तक रख सकते हैं लेकिन वो डेटा जो है वो उसका मिसयूज ना हो उसके लिए भी तो कुछ रूल्स बनाने चाहिए तो वो बनाने की जरूरत है क्योंकि इट्स इम्पॉर्टेंट कि सिक्योरिटी जो है नेशनल सिक्योरिटी हो और यूजर की सिक्योरिटी हो फ्रॉड uh, ना हो बैंकिंग फ्रॉड ये सब चीज़ों को इंश्योर करना ये तो इंपॉर्टेंट है ही लेकिन इट शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ प्रिवेसी ऑफ द रेस्ट ऑफ द पीपल राइट तो राइट टू प्रिवेसी और सिक्योरिटी इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनी रहे बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अलावा डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है उसको इफेक्टिवली uh, इम्प्लीमेंट करना उसको फोर्स मिला के इट्स वेरी इंपॉर्टेंट